हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हो? आई होप मेरे सारे फ्रेंड अच्छे ही होंगे और हम लोग भी सब ठीक है। आप लोग को पता है मैं मुंबई गई थी जन्माष्टमी का शॉपिंग करने के लिए। वैसे भी हम लोग बहुत लेट पहुँचे, बहुत ट्रैफिक था, 4-5 घंटा लग गया था रास्ते में ही, और ऊपर से तो इधर तो बारिश ही हो रहा था। अच्छा हुआ उधर बारिश नहीं था तो अच्छे से शॉपिंग कर ली। थोड़ा बहुत तो छूट गया है तो इधर से कुछ कुछ कर लूँगी। खास करके मैं झूला के लिए गई थी तो मेरा मनपसंद झूला मिल गया है, बहुत सुंदर है, वो आप लोग को दिखाऊंगी। और क्या क्या शॉपिंग की है मैं इस बार प्राइस नहीं बताऊंगी, दिखा दूंगी। तो चलिए मैं स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं पहले ना भगवान का दिखा देती हूँ, बाद में बिट्टू का दिखाऊंगी और उसका पापा भी एक शर्ट लिया है। चलिए मैं दिखाती हूँ। ये माधव का है, ये देखिए पिंक कलर के ऊपर ग्रीन गोल्डन का काम हुआ है, तो दो लिया है। ये अलग टाइप का पिंक है, पिंक नहीं है, ये पीच टाइप का है और साइड में ऑरेंज और ब्लू कलर का लेस लगा हुआ है। ये रिजनेबल प्राइस है, ज़्यादा नहीं है और मुझे ऐसे टाइप का अच्छा लगता है, सिंगल कलर के ऊपर साइड में लेस, मुझे वही अच्छा लगता है, ज़्यादा कम अच्छा नहीं लगते। और गोपू के लिए भी दो लिया है, ये देखिए पिंक ऑरेंज और रेड का। और इस बार ऐसा टाइप का एक लिया है, ये रेड है, पिंक है और ब्लू है। और दो चड्डी लिया है, ये माधव का है और ये गोपू का है। कितना सुंदर है, एकदम क्यूट है, देखिए। और राधा माधव के लिए लिया है दो कपड़ा, ये देखिए आप लोग को खोल के दिखाती हूँ। और इसमें ना थोड़ा भारी काम है, ये देखिए मोती और स्टोन का काम है। ये राधा रानी का लहंगा है, ये ओढ़नी है और ये ब्लाउज, और ये है माधव का धोती, और ये है पीतंबर। और एक लिया है तो उसका प्राइस बहुत ही कम है लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है, तो ऐसा टाइप का और भी रहता तो लेता था लेकिन इतना अच्छा नहीं था, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। प्राइस भी बहुत कम है और इसका कलर है स्काई कलर और गोल्डन कलर का काम हुआ है, और नीचे एक लेस है। ये है ओढ़नी और ये है माधव का धोती और पीतंबर, ये देखिए इसका धोती का भी बहुत सुंदर काम है। और एक चीज़ लिया है वो बहुत अच्छा लगा मुझे, ये देखिए मंदिर में बिछाने के लिए। पहले लिया था रेड कलर के ऊपर ऐसा गोल्डन कलर का पट्टी लगा हुआ था, और इस बार देखिए एम्ब्रॉयडरी का काम है गोल्डन ग्रीन और येलो का, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं पोगली दिखाती हूँ क्या क्या लिया है। ये देखिए एक लिया है और एक लिया है, ये ना मैं डाल के देखा है इसलिए इसका कोहा निकल के रखा है, ये देखिए बहुत सुंदर है ना, ऐसा टाइप का है तो छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा टाइप का अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये पसंद आया तो इसलिए ले लिया, क्योंकि ये ना बाल में अटकता है तो अच्छा लगा तो ये ले लिया। और ये है देखिए अलग अलग कलर का लेके रखी है मैं, अभी कोई ना कोई कपड़ा के साथ तो मैच हो ही जाएगा। और ये देखिए ये पीच और वाइट कलर का है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा। गोपू का साइज का मिलता ही नहीं है तो इस बार ऐसा मिल गया है, ये थोड़ा बड़ा ही लग रहा है मुझे, ऐसा लगता है उसका सर में एकदम वजन वजन जैसा लगेगा, और बहुत सारा कलर भी है तो बहुत सारा कपड़ा में भी आ जाएगा, तो इसलिए ले लिया मैं ये। और ये देखिए ये भी बहुत सुंदर है, जब मतलब डालेगा ना बहुत सुंदर लगेगा। तो हो गया पुंडी, हो गया कपड़ा, हो गया अभी गहना दिखाती है, एकदम भरा हुआ है,
बाद ये देखिए राधा रानी का, और एक ही टाइप का दो लिया, ये राधा माधव के लिए है। वो जो स्काई कलर का कपड़ा लिया ना, उसका मैचिंग के साथ लिया है, ये देखिए। और ये माधव के लिए है, एक ही डिजाइन है, सिर्फ ये ऑरेंज कलर का है। और मैं दो लिया है, सिंपल सा दुकान पर लिया, वो आप लोग को दिखाते। ये देखिए मैं झुमका ली है, एक सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का स्टोन है और ऐसा हुक टाइप का है। इससे अच्छा मुझे ये लगा, ये देखिए बहुत क्यूट है, स्टार टाइप का है और ये भी हैंगिंग टाइप का ही है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसका प्राइस मैं बता देती हूँ, ये 100 रुपीज़ का है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दो ही झुमका लिया और कुछ नहीं लिया, तो चलिए मैं जिसके लिए मुंबई गई थी वो आप लोग को दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना सुंदर मीना का काम है। पहले भी मेरा झूला था, मतलब है वो ना रूपदस्ता का है, लेकिन वो छोटा है, वो गोकू को ही बिठा सकती हूँ, मैं माधव को नहीं बिठा सकती उसमें, इतना छोटा है, तो इसलिए मुझे बड़ा लेना पड़ा। और बहुत दिन से मुझे लेने का था, 2 साल से मैं कोशिश कर रही थी, लेकिन इतना पसंद नहीं आया। और इस बार तो मेरा हस्बैंड देख के आया था, तो उसको पसंद आया तो मुझे फ़ोटो भेजा था। मेरा झूला कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर। और ये देखिए एक पार्ट ली है, इसमें भी मीना का काम है, बहुत सुंदर है। और इसके ऊपर ना राधा गोविंद को रखूँगी, तो मेरा राधा गोविंद थोड़ा छोटा है, तो इसके ऊपर रखेगा तो थोड़ा सा हाईटेड लगेगा। तो चलिए भगवान का जो जो चीज़ ली है वो तो सब दिखा के हो गया, अभी बिट्टू के लिए क्या लिया है वो आप लोग को दिखाती हूँ। तो पहले टी शर्ट दिखा देती हूँ, ये देखिए ये सी कलर का है और इसका प्राइस है 600। इसका प्राइस बता रही हूँ क्योंकि भगवान का एक एक चीज़ का मतलब प्राइस बताने के लिए जाएगा ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए इन लोग का तो कम ही है, इसलिए बता रही हूँ। और एक टी शर्ट ली है, ये मुझे इतना खास नहीं लगा लेकिन बिट्टू को बहुत अच्छा लगा, और इसका प्राइस है 500। और एक ब्लू कलर का जीन्स है, और ये ब्राउन कलर का, और ये ब्लैक कलर का, और ये भी लाइट ब्लू टाइप का है, और सबका प्राइस है 600, मतलब एक एक का। और एक शर्ट ली है, ये देखिए ब्लैक कलर का, और ये ना मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसा टाइप का टॉप होता तो मैं ले लेती, लेकिन उधर ना लेडीज़ का कुछ है ही नहीं, जेंट्स का ही है। और इसका प्रिंट देखिए वाइट पत्ता टाइप का, और इसका प्राइस है 600। और मेरा हस्बैंड का भी एक शर्ट ली है, ये देखिए लाइट ब्लू कलर का है, और इसका प्रिंट देखिए बहुत सुंदर है, और उसको डालने में भी मतलब वो जब डाला था ना बहुत अच्छा भी लगा था। तो इतना सा शॉपिंग है मेरे लिए, तो कुछ ख़रीदने के लिए टाइम ही नहीं मिला, सिर्फ दो ही झुमका लेके आया। तो चलिए मैं वीडियो अभी यहीं पे एंड करती हूँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, और मेरे चैनल में नया है तो सब्सक्राइब एंड शेयर करना। तो अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।